खुशी में होगा या गम होगा, या शादमानी शादी की तकरीब होगी या गमी का मातम होगा, रंज होगा, सदमा होगा। तो दोनों हाल में मोमिन को क्या करना है, ये हदीस शरीफ रहनुमाई फरमाती है। गोया के ये दो मोमिन के बाजू हैं, दो पर, इन परों के जरिए से वो ज़िल अर्श तक पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह ताला, रब्बे ज़िल अर्श तक इसकी रसाई हो जाएगी। सब्र का पर और शुक्र का पर, इन दोनों बाजुओं से मर्द मोमिन उड़ता रहता है आसमान की बुलंदी तक पहुंच जाता है, फिर रब्बे ज़ुल जलाल वल अर्श अज़ीम का तकर्रुब हासिल कर लेता है। नियमतें हर शख्स को मिलती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी नियमतें दे रखी हैं इंसान को, हर इंसान को नियमतें मयस्सर हैं। ये इंसान की बदबख्ती है और शकावत है कि वो अपनी नियमतों को नहीं देखता है, उन पर नजर नहीं करता है और मुसीबतों को देखता है। हजार नियमतें हासिल है और एक मुसीबत है, वो उस मुसीबत का होना होता है। एक शख्स ने किसी हकीम से, अल्लाह वाले से, आरिफ बेला से शिकायत की, परेशानी की, तंगहाली की। अक्सर ये बात हम सब देखते हैं कि शिकवा और शिकायत करने की आदत होती है हम लोगों की, ये बात शायद निशान नहीं मोमिन के। तो जब उन हकीम के सामने शिकायत की कि मैं बड़ा परेशान चल रहा हूं, परेशानियां मुझे घेरे हुए हैं चारों तरफ से, तो उसने कहा तुम अपनी आंख 1,00,000 दिरहम के बदले में दे सकते हो, क्या तुम अपने हाथ 1,00,000 दिरहम के बदले में दे सकते हो, दे नहीं, क्या तुम अपने कान, नहीं, क्या अपने पांव, नहीं। ऐसे ही अल्लाह ताला की जो नियमतें उसके जिस्म में है वो गिनाई तो कहा, करोड़ों रुपये की दौलत तुम लेके चल रहे हो, तुम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हो, सेहतमंद अल्लाह ताला ने बनाया है तुम्हें, तुम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हो, और एक परेशानी है उसका तुम रोना रो रहे हो। ये बहुत बुरी आदत होती है जो इंसान करता है। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनून, अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान वो अपने रब का ना शुक्र है। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, इंसान घबराने वाला है। इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब कोई बुराई कोई मुसीबत आती है रंज आता है तो फौरन घबराने लगता है। वइज़ा मस्सहु ख़ैरु मनूआ, और खुशहाली आती है तो बुख़ल करने लगता है। लेकिन इन्नल मुसल्लीन, जो मोमिन है नमाजी है वो इनसे दूर रहते हैं। अगर नमाजी मोमिन अल्लाह के बंदे को खुशी मिलती है तो वो बुख़ल नहीं करता है, वो अपने हाथ खोल देता है, अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचाता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है। गम आता है तो घबराता नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा करता है, साबिर रहता है। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्ज़ुरु इला मन हुवा फौक असफल मिनकुम वला तन्ज़ुरु इला मन हुवा फौकुम फहुवा अजदरु अल्ला तज़दरु निअमतल्लाहि अलैकुम,
उन लोगों को देखो जो तुमसे नीचे, उनको ना देखो जो तुमसे ऊंचे हैं। ये अल्लाह की नियामत का शुक्र अदा करने का बाइस होगी ये चीज। इंसान बस अपने ऊंचे वालों को देखता है, जिसके पास साइकिल है वो देखता है मोटरसाइकिल वाले को, बाइक वाले को, बाइक वाला देखता है मारुति वाले को, मारुति वाला और 20 लाख वाली मारुति आती है नई नई लग्जरी, और कौन सी आप लोगों को नाम मालूम होंगे, जिसके पास कम मॉडल वाली है वो ऊंचे मॉडल वाली को देखता वो जो वो वाला हवाई जहाज को देखेगा। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने साइकिल दी है तो वो उसको देखे कि जिसके पास साइकिल भी मैसर नहीं। ये शख्स बेचारा पैदल जा रहा है, और अगर कोई पैदल चलने वाला है तो उस शख्स को देखे जो एक टांग के बल चल रहा है, और अगर कोई एक टांग के बल भी चल रहा है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि लोगों में ऐसे लोग मिल जाएंगे इसके दोनों टांगे नहीं। और अगर किसी के दोनों टांगे भी नहीं है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए उसको, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनके टांगे ना होने के साथ साथ दोनों हाथ भी नहीं। हर आदमी को अपने से नीचे वाले लोग मिल जाएंगे। ये इंसान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अच्छा फलसफा और इतना अच्छा मनहज बताया है कि अपने से कमतर वालों को देखो, और बस अल्लाह तबारक व तआला इन नियामतों का शुक्र अदा करो। शुक्र का मतलब क्या होता है? शुक्र का मतलब ये नहीं अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है एक, लेकिन तीन चीजों से शुक्र अदा होता है। एक तो शुक्र अदा होता है दिल से, दिल में मुनईम मोहसिन जो अल्लाह की जात है जिसकी तरफ से नियामतें हैं उसकी मोहब्बत समाई हुई हो, और उसके एहसानात से लबरेज हो, उसके एहसानात के एहसास से दिल लबरेज हो, रोए रोए से उसकी मोहब्बत उभर रही हो, ये नंबर एक का शुक्र है। और दूसरा शुक्र जबान से उसकी तारीफ, उसकी तस्बीह, उसकी पाकी के जमजमे जारी हो, और ये नहीं कि हर वक्त वो गिला और शिकवा कर रहा हो। अच्छा, शिकवा ना पसंदीदा है, लेकिन अल्लाह ताला से तुम शिकवा करो ना पसंदीदा नहीं है। हजरत याकूब अलैहि सलातो व सलाम फरमाते हैं, इन्नमा अश्कु बस्ती व हुज़्नी इला अल्लाह, मैं अपने गम का शिकवा अल्लाह से करता हूँ। अल्लाह के सामने करो ना, 2 रकात नमाज पढ़ के। तो शिकवा अल्लाह के सामने करना ना पसंदीदा नहीं है, ए अल्लाह ये मेरी जरूरत है, ये बात है, आप देखिए। वो भी बताया तरीका, हजरत अय्यूब अलैहि सलातो वसलाम का जिक्र किया, वअय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनिय अश्शैतानु बिनुस्बिन वअज़ाब, अन्नी मस्सनिय अद्दुर्र वअंता अरहमुर राहिमीन। अय्यूब अलैहि सलातो वसलाम को याद करो, को कैसी बीमारी आई, क्या कह रहे हैं, अल्लाह शैतान ने मुब्तला कर दिया है बीमारी, शैतान की चाल की वजह से, कोई मेरी ऐसी बात हो गई शैतान के दांव में, इसकी वजह से मुसीबत आ गई, मुझे परेशानी आ गई, आप अरहमुर राहिमीन हैं, बस हो गया, शिकवा हो गया, ये दुआ हो गई। कौन चीज नापसंदीदा है? अल्लाह ताला का शिकवा दूसरों के सामने, ये नापसंद। अल्लाह के सामने शिकवा नापसंदीदा नहीं है, दूसरों के सामने अल्लाह का शिकवा, अपनी हालत दूसरों के सामने ना पेश करो, अल्लाह के सामने पेश करो, फकर फाका दूसरों के सामने बयान ना करो, ये अल्लाह की शिकायत दूसरों से हो जाएगी, ये चीज नापसंदीदा है। तो जबान से अल्लाह की तारीफ हो रही हो हर वक्त, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा होगा, और जिस्म से अल्लाह ताला की इताअत हो रही हो, अल्लाह ताला के सामने सजदा हो रहा हो, बंदा अल्लाह के रास्ते में हर वक्त लगा हुआ हो, जो नियामतें मयस्सर हैं उन नियामतों को अल्लाह के रास्ते में लगाइए, सेहत दी है ना अल्लाह ताला ने, जिंदगी दी है अल्लाह ताला ने, तो
اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے, یہ سب سے بڑا شکر ہے. بچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, اللہ کے دین کے لیے ان کو لگا دیا جائے, اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ان کو لگا دیا جائے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی ہے, اس آواز سے وہ قرآن کی تلاوت بہترین کرے, نعت نبی پڑھے, لوگوں کو دعوت دے, اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں اتنی صلاحیتیں ہیں ان کو وہ الگ الگ طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. عقل دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اب عقل کو لگائیے, دین میں لگائیے, آپ کی عقل بڑھ جائے گی. کسی بزرگوں نے کہا کہ شکر ادا کرنا کیا ہے, الحافظ الجاری, شکر ادا کرنا ہے, حافظ مطلب جو نعمتیں ہیں ان کو روکے گا شکر, اور انجالی نئی نعمتوں کو دعوت دے گا, اور دن دنیا راجیوں کی ترقی ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَنزَلَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا, اعلان کر دیا ہے اور یہ کھول دیا ہے, ضمانت لے لی ہے کہ اے لوگوں اگر تم شکر ادا کرو گے میں بڑھاؤں گا تمہیں, اور اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا سخت ہے. ہم لوگ کیوں مبتلا ہوتے ہیں ناشکری کی وجہ سے؟ شکر ادا کرو, لگاؤ اپنے آپ کو اپنی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں, دیکھو پھر کتنی ترقی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ استعمال کر کے دیکھو اللہ کی نعمتوں کو. دوسری چیز صبر ہے, آج وقت زیادہ ہو گیا, ان شاء اللہ کل صبر کے موضوع پر کل وضاحت کی جائے گی.